क्या खाताधारकों के नाम सार्वजनिक होंगे, किसका है, क्या ये नाम सामने आएंगे? और सवाल ये भी है कि क्या यूपीए के कदमों पर चल रही थी इस मामले पर एनडीए सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कड़ी फटकार नहीं लगाती और ये नहीं कहती कि आपको नाम सीलबंद लिफाफे में देने ही होंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या सरकार ये नाम देती? इस पर भी बात करेंगे, इस पर हमारे साथ बड़ी बहस होगी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सुधांशु मित्तल जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा जो कि हेड ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर से जुड़े हुए हैं, वो जुड़ गए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हैं, हमारे साथ आंचल आनंद है जो कि हमारी एडिटर न्यूज है। आंचल, सबसे पहले आपने खबर ब्रेक करी थी, मुझे ये बताइए कि क्या ये नाम सार्वजनिक हो सकते हैं? सार्वजनिक हो सकते हैं और कब तक होंगे ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन सरकार जिस तरह से चाहे वो यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो गुटली मारकर ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकती है, क्योंकि अब तक हो ये रहा है कि अगर कुछ नामों की लिस्ट बाहर भी आ रही है एक एक दिन इसमें कीमती है। जैसा कि हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स में भी आया दीपक कि कुछ ऐसे बाकायदा अकाउंट्स हाथ में लगे सरकार के, लेकिन ये प्रोसीडिंग्स बहुत वक्त लगा रही थी और कईयों के जीरो बैलेंस हो गए, यानी कि जब काला धन अकाउंट में है ही नहीं तो सरकार क्या ढूंढेगी, किसका नाम ढूंढेगी और कैसे उसको प्रोसिक्यूट करेगी, क्योंकि सरकार का यह अपना स्टैंड है कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में अकाउंट खोलना इलीगल अपने आप में नहीं है, लेकिन अगर वो काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग है तो इलीगल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जैसे अभी अरुण जेटली भी बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमें कोई हिचक नहीं है, हमारी पूरी इंटेंशन है कि हम नामों का खुलासा करें। अगर ये पूरी इंटेंशन है तो फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया सरकार ने? आखिरकार ये जो आज आके अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि हम कल सारे नामों की लिस्ट दे देंगे, ये कोई वॉलंटरी एक्शन नहीं है, ये कोर्ट के आदेश का पालन करेगी सरकार, जो कि वो बाध्य है, जो कि आज बहुत तल्ख अंदाज में कोर्ट ने सरकार को दो टूक बता दिया है कि सत्ता चाहे बदल जाए, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, हमारा ऑर्डर जस का तस है, एक वर्ड इधर से उधर नहीं होगा, एक वर्ड इधर से उधर नहीं होगा। इंटेंशन नहीं थी सरकार की, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, लेकिन आंचल ने जो पॉइंट कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं हिचक रही थी, क्या इसमें सच्चाई नहीं है सुधांशु जी? नहीं नहीं आंचल जी, आप जो है हमारे साथ थोड़ा सा अन्याय कर रही हैं। कुछ आप तथ्य देख लीजिए, फिर अपने आप तय करिए कि आचरण जो था सरकार का ठीक था या नहीं था। 26 मई को सरकार शपथ लेती है, 27 मई को पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसके अंदर वो एसआईटी का गठन करती है, और 27 जून को सारे नाम जो आए हुए हैं वो एसआईटी के सौंप देती है। एसआईटी क्या है? एसआईटी एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से गठित करा है और जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में है। ठीक है, तो अगर सरकार को कुछ छुपाना हो तो क्यों एक महीने के अंदर ही आने वो सारे के सारे नाम उनको सौंप दे? सुधांशु जी, मैं चलिए आपके साथ अन्याय कर रही हूँ, लेकिन आप जवाब पूरा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणियां की हैं वो सुन लीजिए और उसके ऊपर जवाब दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप क्यों बॉदर्ड हैं, आपका क्या दिलचस्पी है, क्या इंटरेस्ट है, आप एक छत्र छाया में रख रहे हैं ऐसे कालाधन छिपाने वालों को। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपके ऊपर यानी सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी और हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी इसमें दिलचस्पी क्या है, क्या इंटरेस्ट है, और हम सिर्फ सरकार के ऊपर ये पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हम ना तो अपने पुराने ऑर्डर को क्लैरिफाई करेंगे ना मॉडिफाई करेंगे, और एनडीए सरकार पुराने ऑर्डर को जो कि यूपीए सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी थी चेंज कराने के लिए हमारे पास आई है, पुनर्विचार कराने के लिए आई है, जिसकी इजाजत हम नहीं देंगे। उन्होंने यह तक कहा कि नेम्स जो हैं वो शुड बी डिस्क्लोज हर हाल में, और अगर रिजीम चेंज हो भी जाता है यानी एनडीए सरकार जो कि हर रैली में मोदी जी भी कहते फिर रहे थे कि काला धन वापस लाना है, यूपीए सरकार नामों को छुपा रही है, उन्होंने ये कहा है कि रिजीम चेंज से हमारे ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक दो तीन नाम नहीं चाहिए, हमें पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, और अगर हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर नहीं करेंगे तो सरकार कुछ नहीं करने वाली। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मैं पूरा कोट करके लाई हूं सर। अब आपको एक एक चीज लेके चलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नाम जनता को उजागर करने के लिए आदेश दिया? नहीं दिया।
उन्होंने कहा आप ये नाम हमें जो है सीलबंद करके दे दीजिए, यही कहा ना, कुछ और तो नहीं कहा। मैं मानता हूं आपकी बात कि उन्होंने कहा होता कि नाम जो है आप जो है पब्लिक के सामने उजागर कर दीजिए, लेकिन एक आप सारी बात समझिए, जिस ऑर्डर के तहत ये सारी चीज हो रही है वो ऑर्डर कब का है? 2011 जुलाई का, 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 से 2014 मई, सिर्फ 2 साल 10 महीने, कुछ नहीं होता है। भाजपा की सरकार आती है मई के अंदर और 27 जून को हम एसआईटी बना के उसको दे भी देते हैं, उसके बाद भी आप सोचे तो काला धन लाने की बात आप ही ने कही ना, ये तो आपका बाकायदा एजेंडा था। मैं आगे 100 दिन में यूपीए तो नहीं कह रही थी हम 100 दिन में पैसा लेके आएंगे, आपने कहा था 100 दिन में पैसा लेके आएंगे, 100 दिन पूरे हो चुके हैं अभी तक ना, पर आप तो शहर शहर घूम रहे थे सुधांशु जी। पहले पहले दीपक जी अभी एक मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सुन रहा था और मुझे शर्म आई कि इस राजनीति में झूठ और गिरावट की कई पराकाष्ठा बचेगी नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने रैली में यह कहा कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा करवा दूंगा। दीपक जी आप तो बहुत परिपक्व जर्नलिस्ट हैं, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है, मुझे एक रिकॉर्डिंग चला के दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी जी की चुनाव की जिसमें नरेंद्र भाई ने यह कहा हो कि 15 लाख रुपए मैं आपके खाते में जमा करवा दूंगा। मैं तो नियत और नीति देखिए और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आज तक आपने कोई कदम नहीं उठाया और हमेशा बचाने की कोशिश करी। हम एक महीने में आते ही लिस्ट जो है एसआईटी को दे देते हैं, हम हर संभव प्रयत्न उठा रहे हैं कि लोगों की जानकारी आ जाए और ये पैसा वापस आ जाए, और उसके बाद हमें ही गड्ढे में खड़ा जा रहा। और कांग्रेस प्रवक्ता का बयान देखिए, मतलब मैं शर्म से मेरा माथा झुक गया कि राजनीति में सब चीज होती है लेकिन गिरावट की भी कोई सीमा होगी कि नहीं होगी है? आप झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे वहां पे, खुद तो गुनाहगार, खुद आपने कुछ नहीं करा। एसआईटी का कब का ऑर्डर है? एसआईटी आपने गठन नहीं करी, हमने एक महीने पहले दिन तो आके गठन कर दी और एक महीने में हम लोगों को तथ्य भी दे दिए। और माफ करिएगा एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो नाम एसआईटी के पास थे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि मॉनिटर्ड वो कमेटी है, वो कभी भी उनके पास हो सकते थे। और आज का भी हमारा आचरण देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नाम दीजिए, 15 मिनट के अंदर आपने अरुण जेटली जी का बयान देके हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्यों क्यों नहीं है हमें? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो आपको देना ही था, आपके पास विकल्प कहाँ था? इसलिए सुधांशु जी क्या आप सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि हम नहीं देंगे? एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था ना, एसआईटी नहीं, देखिए एसआईटी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या आप सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते थे? हमने नहीं कहा था पुनिया जी, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट को बोल सकती है कि हम नहीं दे सकते आपको नाम, हम नहीं देना चाहते? नहीं, ये सरकार के क्षमता के बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये कहें कि हम नहीं मानेंगे, वो उसकी कोर्ट की अवमानना होगी, ये जेल चले जाएंगे जो मंत्री मना करेंगे तो ये भूल जाएं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि काला धन का मुद्दा चुनाव से पहले एक बहुत अहम मुद्दा था, इसी को लेके आगे चल के आपने चुनाव लड़ा और जो बयान दिए थे पहले आपके आपके जो वित्त न्याय मंत्री हैं उनके बयान देखिए, उन्होंने कहा ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी इसका बहाना लेके आप मना कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और एफिडेविट क्या फाइल करते हैं? एफिडेविट भी यही फाइल करते हैं कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी की वजह से हम गोपनीयता भंग नहीं कर सकते। और इसमें एफिडेविट में ये भी कहा, एफिडेविट में ये भी कहा कि अगर हम गोपनीयता भंग करते हैं तो हमारी जो इंटरनेशनल रेटिंग वो खत्म हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। तो ये कहां तालमेल है? और दूसरा जो ये सुधांशु जी कह रहे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं कि 15 लाख रुपया जो ये बताया गया था, 21,000 लाख करोड़ रुपया काला धन है, वो आएगा और लोगों में बढ़ जाएगा, इतना होगा कि लोगों में बढ़ जाएगा। और उसकी धनराशि कोई कहता 3 लाख, मैंने नहीं सुना लेकिन कहा जा रहा है। तो अगर वो बात है तो आज क्यों मुकर रहे हैं आप? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो 3 नाम एक निकाल के दे देते हैं। तो आपका अगर मान लिया 5 महीने के दौरान भी आपकी सरकार रही है और पूरा हिंदुस्तान भर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है
वो ये जांच नहीं कर पाए। एसआईटी गठन करने की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के अंदर इसका गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि यूपीए एनडीए की सरकार आने वाली थी, यूपीए ने कहा कि एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए, दूसरी सरकार बनने वाली है तो वो एसआईटी गठन करेंगे, और वो आपने गठन किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था गठन किया, और एसआईटी गठन करने के बाद सूची तो दी ही जाएगी, वरना एसआईटी क्या करती, तो इसमें कौन सा एहसान किया। लेकिन आप अपना मंशा देखिए, पहले कह रहे थे कि ये तो तत्काल मिल जाना चाहिए, चुनाव के दौरान में कहा कि भुनिया साहब आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, जाने वाले दबाने वाले, भुनिया साहब आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए भी कहा है कि आपने यानी यूपीए सरकार ने भी काला धन रखने वालों को प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रदान किया है, शब्द इस्तेमाल किया है प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, यानी छुपने के लिए छाता। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये मैं इन लोगों की तरह से नहीं हूं जो कहेंगे कि हमने एहसान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बात मान ली, लेकिन हमने जो रखी थी स्थिति और पार्लियामेंट के अंदर जो प्रणब मुखर्जी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है जिसके कारण हमने नहीं किए, और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है अगर ये हमारे यहाँ कहते तो उस समय उनका पालन करके वो भी करते, तो ये परिस्थितियां देखिए, हमने हमेशा उनको रखा, और जो एसआईटी गठित करने के बारे में कहा कि 15 दिन के ना हमने समय लेके और एनडीए सरकार को मौका दिया कि आप एसआईटी गठित कर दें, तो मेरा यहां तो मानना है जिस तरह से चुनाव से पहले जो इनका रवैया था, जो बातें थी, और सरकार बनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया और जो बयानात हैं वो पूरी तरह से भिन्न हैं। सरकार में रहते कानून की व्याख्या हो रहे और विपक्ष में रहते कानून की व्याख्या इनके लिए दूसरी है। चलिए दोनों की व्याख्या क्या है, एनके सिंह सर दोनों के तर्क आपने सुने, मैच करते हैं दूसरे से, दोनों कथनों से मैच करते हैं। मुझे लगता है कि इस डिबेट को पार्टी लाइन या जो पार्टी में डिफेंसिव पोजीशन है इससे, और दोनों पैनलिस्ट बहुत ही निहायत कॉन्शियसियस हैं, तो मैं लगता है कुछ फैक्ट्स मैं दे देता हूं, अगर आप लोग मुतासिर हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस देश में जब रात में भारत का नागरिक सोता है और सवेरे जगता है, उस बीच में 15 रुपया उसकी जेब से निकल के स्विस बैंक में जमा हो जाता है। ये पैसा जो उसके विकास में लग सकता था वो स्विस बैंक में जमा हो जाता है, और ये पिछले 45 साल से चल रहा है। अब एक तथ्य और देते हैं, जब देश आजाद हुआ था उसके 10 सालों में 1955 में जिस कमेटी ने गठन किया था इसके लिए, उसने कहा कि 4-5% जीडीपी का ब्लैक मनी है। आगे बढ़ा, वांगचू कमेटी आई 71 में, उसने कहा कि नहीं साहब इस समय ये 17-18% हो गया है। अब मामला उससे भी आगे बढ़ा, 1988 में आप ताजुब करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा कि नहीं साहब ये बढ़ के इस समय करीब 20% हो गया है। 95 में लिबरलाइजेशन के 4 साल बाद ये वॉल्यूम जो होता है जीडीपी का 50% ब्लैक मनी होता होने लगा। आज स्थिति ये है कि देश का 60% ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जा रहा है जो जीडीपी हमारी है। आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। इसलिए पार्टी लाइन छोड़ के हम लोग गरीबान में झांकें कि क्या हम भारत को ऐसे ही गरीब रहने देंगे। 5% आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाता अगर देश में ब्लैक मनी ना होता, 5% ग्रोथ रेट बढ़ जाता, आज आपका टोटल 5% नहीं है, और देश 7 गुना अमीर होता। अगर आज भी आप ये रोक दें तो देश में इस समय जो $1,500 है पर कैपिटा इनकम, ये $10,500 होती, और हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लगभग उसके समकक्ष खड़े होते। ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब आप तथ्य पे आइए, अरुण जेटली साहब कैसा अफसोस होता है, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, अरुण जेटली साहब कितनी खूबसूरती से कह रहे हैं कि नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा जिस तरह चाहे इन्वेस्टिगेशन करा ले। अरे इतने बड़े मुद्दे पे आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका ने दांत तोड़ दिए पूरा का पूरा, सुप्रीम कोर्ट की स्विस बैंक की रीढ़ तोड़ दी, और ये कह के कि नहीं साहब करिए वरना मैं भीतर कर दूंगा जेल के अंदर। आज स्विस बैंक सारे वहां भी ट्रीटी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप कितना खूबसूरत बयान कर रहे हैं कि साहब मेरा जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है स्विस बैंक के साथ उसके सेक्शन 24 के तहत हम बंधे हुए हैं।
अगर उसी का सब क्लास 2 देख लें तो साफ साफ लिखा है कि नहीं, अगर आपके यहां प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है तो आप उसको पब्लिक करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देन द अवॉइडेंस एग्रीमेंट सीजेस, ये जो 24 क्लॉज है ये सीज कर जाता है। आप फैक्ट्स पूरी तरह लेके कम से कम देश को गोबरा, आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं लेकिन गरीबान में झांक के देखें, देश का गरीब गरीब होता जा रहा है और आप इसको छिपा रहे हैं, जबकि ब्रिटेन ने स्विस बैंक पे इतने हैवी टैक्सेस लगा दिया इसी बदमाशी की वजह से, लेकिन आज आप कह रहे हैं, और आपने कितना अपने को डैमेज कर लिया ये कह के सुप्रीम कोर्ट के कि साहब मजबूरी है, साहब हम कुछ कर नहीं सकते। मैं एक चीज जो एनके सिंह सर ने बोली उसमें ऐड करना चाहूंगी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कोर्ट किया कि उनके पास इस तरह की जानकारी आई कि जर्मन अथॉरिटीज इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार बैठी है, बिल्कुल तैयार, लेकिन इंडियन साइड से कोई उनको फोन नहीं कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि भाई आप कैसे कोई इनिशिएट तो करें, हम तैयार हैं। और ये जो कह रहे हैं एसआईटी गठित की, ये सुप्रीम कोर्ट का चाबुक था, 21 तारीख को 5 दिन पहले आपके अटॉर्नी जनरल जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि साहब हम जैसे ही सरकार गठन हो जाएगी मैं कर दूंगा, ये कोई एहसान नहीं था, एसआईटी गठन करना ही था, वो सुप्रीम कोर्ट का कोड़ा था जिसकी वजह से करना पड़ा। तो कम से कम देश को ये समझ के करें कि एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य होगा कि ये ब्लैक मनी खत्म हो, और इसकी भयावहता अगर आप देख ले तो समझ जाएंगे कि शायद ये जो डिफेंसिव पोजिशन है पॉलिटिकल क्लास की, या जो एक दूसरे से कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसकी बजाय अपने गिरेबान में जाके और जाए और ये वादा करके जाए कि नहीं साहब आज से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुधांशु जी, एक पुरानी कहावत है, पूनिया जी आपको भी बताऊंगा, कि हमाम में सभी नंगे हैं। बात यह है कि सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज करती है। एमसी जोशी कमेटी जो बनाई थी जून 2011 में, जो सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन थे, उनका कहना था कि काला धन भारतीय सिस्टम से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक 500 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर कांग्रेस और 200 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेना बंद नहीं करती है। और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह भी लिखा था कि एक चुनाव पर एक पॉलिटिकल पार्टी एक आम चुनाव पर 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। सवाल यह है ये पैसा आता कहां है। एक नाम जो उजागर हुआ है वो है राधा टिम्बलू का, और राधा टिम्बलू ने आपकी पार्टी को लगभग 1.25 करोड़ और कांग्रेस को 65 लाख रुपए दिए हैं। सुधांशु मित्तल जी, पहला सवाल, काला धन रखने वालों से चंदा लेना ठीक है? दीपक जी, एक एक करके बात करेंगे। पहले पे तो एनके सिंह जी का सुन रहा था, बहुत सम्मान करता हूँ इनको, और बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, लेकिन लगता है गुस्सा किसी पे निकाल किसी पे रहे हैं। अरे भाई कोई गुस्सा नहीं, मैं तो फैक्ट दे रहा हूँ। देखिए सुधांशु जी, ये गलत कह रहे हैं, कहीं गुस्सा नहीं है। अरे भाई एक सेकंड, एनके सिंह जी, किसी को आप कटघरे में अगर खड़ा करेंगे तो उसके कार्य के लिए करेंगे ना, किसी और के गुनाह के लिए आप मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे क्या? ये तो बड़ी गलत बात रहेगी। अब एक एक चीज एक एक तथ्य पे चलते हैं। आपने डबल टैक्सेशन ट्रीटी वाली बात करी, आपने कहा कि उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ लॉन्च हो गया है तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं ना, यही कहा ना आपने? जी बिल्कुल, यही तो अरुण जेटली जी ने भी कहा था। इसमें गलती, इसमें उन्होंने कुछ और बात कही थी क्या? और नाम देने की प्रक्रिया यही तो चालू थी। देखिए एसआईटी बनी, एसआईटी को फॉरन कागज मुहैया करवाए या नहीं करवाए? अगर एसआईटी को कागज करवाए तो सरकार की नीयत खराब है क्या? देखिए आप हमें कटघरे में खड़ा करने से पहले हमारी गलती क्या ये तो समझाएंगे? आप भी वही बात कह रहे हैं जो सरकार ने कहा अभी कि भाई हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं सबको, और जैसे जैसे लॉन्च करेंगे वैसे वैसे नाम दे देंगे, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है। मैं एक से खत्म बोलूं, आपने सबने बहुत बोला, थोड़ा सुन लीजिए, दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए, ताकि ये जो एक बहस है बहस सार्थक हो जाएगी। ये कोई राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए, ये गंभीर विषय की बहस है और गंभीरता से इस चीज को देखना चाहिए। सरकार की नियत और नीति पर जब आप प्रश्न चिन्ह करते हैं तो वाकई क्या नियत और नीति खराब है ये देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको कहा वही एनके सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रावधान यही था। अभी क्या उन्होंने अरुण जेटली जी ने कहा कि भाई ये प्रावधान है, बाकी कोर्ट जो है सर्वोपरि है, वो तय करे अगर ये प्रावधान उनको लगता है ठीक है नहीं है नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा नाम दीजिए हम अपने आप देखेंगे। जरूर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सरकार अगर नाम को छुपाने की कोशिश करे तब तो मैं मानता हूं। जिस ऑर्डर के तहत ये सारी बात हुई वो ऑर्डर कब हुआ था? 2011 में। अभी पूनिया जी भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पूनिया जी
दो साल दस महीने तक ये ऑर्डर था जो आज जिस ऑर्डर के तहत ये मांगा गया है, आपने क्यों नहीं दे दिया? आपने प्रणब मुखर्जी जी की बात करी, प्रणब मुखर्जी जी को वित्त मंत्री हटे हुए दो साल हो चुके थे। हम बात क्या कर रहे हैं? हम लफाजी करके या तथ्यों को घुमा के गुमराह थोड़ी कर सकते हैं। आपकी नियत और नीति दोनों में इसलिए खोट था क्योंकि आपके मन में चोर था। हमारी नियत और नीति दोनों अच्छी है क्योंकि हमारे मन में चोट थी। हमें किसको बताना है? और मैंने कहा आए हुए कितने हुए, जुम्मा जुम्मा 5 महीने हुए, 5 महीने में हर चीजें जो इस तरफ करनी चाहिए थी वो करी जा रही है, नहीं करी जा रही है? आप बोलिए ना कि भाई हमने इसमें क्या छुपा। आपने कहा सिर्फ 3 नाम बताए, सिर्फ 3 नाम इसलिए बताए क्योंकि 3 पे प्रोसिक्यूशन का चालू हो गया था और ये धीरे धीरे हो रहा था। अब अगर उसको उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट कहे हमें नहीं मानना, जरूर ना मानिए, आप मानिए उसमें क्या बात है, लेकिन जब तक प्रावधान कानून के इन्होंने इसी ये नाम तो पहले आ गए थे। अभी पुनिया जी कहेंगे हाँ नाम तो हमारे जमाने में आ गए थे। भाई आपके जमाने में नाम आ गए थे, आपने क्यों नहीं इनका प्रोसिक्यूशन चालू करा? मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद में वापस लौटता हूँ। लेकिन आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या काला धन रखने वालों से चंदा लेना जायज है? ऑन रिकॉर्ड चंदा दिया गया है, एडीआर ने इस बात की पुष्टि की है। आप दोनों ने जवाब देना है इस सवाल का, लेकिन ब्रेक के बाद। तो सीधे चलते हैं पीएल पूनिया जी के पास। मेरा बेसिक सवाल था कि क्या काला धन रखने वालों से चुनावी चंदा लेना जायज है? राधा टिमलू जिनका जिनके खिलाफ ब्लैक मनी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिनका विदेशी बैंकों में काला धन जमा है, उनसे कांग्रेस ने 65 लाख का चंदा लिया है। पूनिया साहब, क्या ऐसे लोगों से चंदा लेना जायज है? दीदी मैं टीवी पे हूं। देखिए दीपक जी, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान जो हमारा है, तो राजनीतिक दलों की अपनी एक अहमियत है और उसी व्यवस्था के माध्यम से सरकारें बनती हैं। और चंदा देना अपराध नहीं है, चंदा लिया जा सकता है, दिया जा सकता है और उसकी उसकी बाकायदा उसका ब्यौरा इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स इन सभी को दिया जाता है। जब चंदा कोई देता है तो उसके माथे पर नहीं लिखा होता कि ये काला धन जमा है कि नहीं है। अगर काला धन के वो आरोपी हैं, कोई कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी वहां जाके उनको बचाने नहीं जाएगी कि इन्होंने चंदा दे रखा था, इनको छोड़ दिया जाए। तो ये अगर कोई अपराध करता है व्यक्ति, तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है और अपराधी के नाते उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने काला धन के अर्जित किया है तो उसका दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ये बात हो कि उसमें दिखा रखा है और अकाउंट में नहीं दिखा रखा है, वो भी अलग है, तो उसकी बात उठाई जा सकती है। लेकिन सिर्फ ये है, अगर चंदा है, चंदा दिया जाता है, सब रिकॉर्ड लिखा पढ़ी में दिया जाता है, तो ऐसे में अगर कोई काला धन अर्जित करता है उसका दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि 3 साल से आप राधा टिमलू को डिफेंड कर रहे थे? कौन डिफेंड कर रहे थे? 3 साल से आप उसका नाम उजागर नहीं कर रहे थे? 3 साल तक आप ये तर्क देते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी जो ट्रीटी है उसका उल्लंघन हो जाएगा। आप राधा टिमलू को लगातार डिफेंड कर रहे थे पूनिया साहब? लिस्ट ये बिल्कुल गलत है, उसकी जांच और ऑन रिकॉर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। व्यवस्था थी उसके हिसाब से, उसके जांच हो रही थी। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड है। कौन सी बात है, आप उसका नाम डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे? हाँ, तो रिकॉर्ड क्या चीज रिकॉर्ड है? सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। आपने कहा था कि हम किसी का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम तो अरे आपने कहा था कि हम राधा टिमलू या किसी और का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये गलत है दीपक जी, हमने तो ऑन रिकॉर्ड है, हमने कहा कि 700 नाम है, 800 नाम है, सबको उजागर किया जाना चाहिए। आपने कभी नहीं कहा ऐसा, आपने सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं कहा ऐसा। मुझे अच्छी तरह याद है, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कूटनीति हमारी खतरे में पड़ जाएगी अगर हमने किसी एक का नाम भी उजागर किया, क्योंकि हमने ऐसी संधियां कर रखी है लोगों से।
तारीख भी बता सकता हूं मैं आपको कब कहा उन्होंने। पार्टी हल्ला मचा रहे थे, आप मैं बता दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। अभी ये कह रहे थे कि प्रणब मुखर्जी दो साल पहले थे तो वित्त मंत्री थे, क्या वो उनको रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा? उनका स्टेटमेंट, पार्लियामेंट का स्टेटमेंट, वो अहम रखता है, महत्व रखता है। और उन्होंने जो कहा, जो आज भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रही है, अगर उसी आधार पर अगर प्रणब मुखर्जी ने भी अगर पार्लियामेंट में कहा है तो कौन सा गलत कहा है? अगर उसका माने गलत निकाले जा रहे हैं तो उसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन हमें बताइए कि कोई भी व्यक्ति, यूपीए का कोई व्यक्ति, फाइनेंस मिनिस्टर का छोड़ दीजिए, कोई किसी उनको बचाने का कहां प्रयास किया? हमने नहीं प्रयास किया। तो जांच का प्रोसेस है, जांच के प्रोसेस में हुए। और जो तीन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, तीन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो भी उसी जांच के आधार पर है। इन्होंने 5 महीने में जांच पूरी नहीं की, वो पहले से जांच चल रही थी, पहले जांच चल रही थी, उसी जांच के आधार पर ये नाम उजागर हुए हैं। जी सुधांशु जी, दीपक जी, नाम उजागर होना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना दो अलग अलग चीजें हैं। और संधि में लिखा था कि कार्रवाई कर लो तो नाम उजागर कर लो, ये भी लिखा हुआ था। भाई 700 नाम आप कह रहे हैं आपके पास आए हुए थे 3 साल पहले, आप इन 700 नामों में इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते और उजागर कर लेते, इसमें संधि का कहां उल्लंघन हो रहा था? दिक्कत यह थी कि ना तो आपने नाम उजागर करने दिए, ना ही आपने उनके खिलाफ कुछ काम करा। जो सारी है, मैं जो आपसे कहता हूँ ना कि गुनाह किसी के कटघरे में कोई खड़ा हो रहा है, गुनाह इनके ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुधांशु जी, एक बात हम आपको बता दे, जिन जिन कंट्रीज ने विल पावर दिखाया कि नहीं हम इसको खत्म करेंगे, उन कंट्रीज ने सजदा करा दिया स्विस बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को कि नहीं, तुमने अगर ये ब्लैक मनी रखा है तो तुम नाम बताओगे। आपके पास अगर वो विल पावर है, वो 3 साल से कांग्रेस के पास भी नहीं था। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जो अर्ज होना चाहिए था आपके गवर्नमेंट में, शायद अभी वो नहीं नजर आ रहा है। और जो डैमेज किया आपने अपने केस को इंटरनेशनली, वो ये था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इसका हवाला दे दिया, जबकि सारे लोगों ने, सारी कंट्रीज ने धज्जी उड़ा दी इस एग्रीमेंट की और कहा कि ऐसी तैसी तुम्हारी एग्रीमेंट की, हम कह रहे हैं इनके नाम बताओ। और ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, और यही नहीं तमाम कंट्रीज ने धज्जी उड़ा के स्विस बैंक को मजबूर किया कि वो नाम बताएं। तो लिहाजा नाम बताना इशू नहीं है, वो अपने यहां कार्रवाई भी कर रही हैं। अगर आपके पास विल पावर है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का मोहताज थोड़ी हैं आप एक्शन लीजिए। फिर एक एनके सिंह जी, रुक जाइए एनके सिंह जी, आप तथ्य गलत बतला रहे हैं, मैं आपको आपके तथ्य ठीक कर दूं थोड़े से। स्विस लॉ की धज्जी उड़ाना और अपनी बायलैटरल ट्रीटी की धज्जी उड़ाना, दोनों में बायलैटरल की उड़ाई है, यही कह रहा हूं। आप मेरे फैक्ट्स को छोड़ दीजिए, मैं कभी गलत नहीं कहता। आप स्विस लॉ की नहीं, वो आपने एग्रीमेंट की, जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था उसको उन्होंने कूड़े में डाल दिया। और G20 का ब्रिस्बेन में होने जा रहा है, जी फैक्ट्स तो सुनिए एक बार। जी जी, एनके सिंह जी, पहले तय कर लीजिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। दोनों चीजों को कैमोफ्लाज नहीं करिए, बात ये हो रही है बायलैटरल ट्रीटी की। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के साथ कौन सी बायलैटरल ट्रीटी की धज्जी उड़ाई है, मुझे कृपा करके वो बता दीजिए। हम नेशनल टेलीविजन पे हैं, इसलिए तथ्यों के आधार पर बात होगी। एकदम तथ्यों के, मेरे ख्याल से आप तथ्य एक बार फिर से चेक कर लें, से मना कर एक बार फिर से चेक कर लें। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कहा गया कि नहीं कुछ नहीं, ये सब चलेगा। और सारे लोगों ने एक नया टैक्स रिजीम शुरू किया है जिसमें भारत कोई शिरकत हो सकती थी। और ब्रिस्बेन में मोदी साहब जा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होके जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, रुकिए, सुप्रीम कोर्ट में आपने ये हलफनामा देके अपनी पोजीशन खराब कर दी। हमारे सरकार की नियत जो है उस पे आपको वो है, रुक जाइए। नहीं सुधांशु जी, कहा हमारी सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है, ये आपको लगता है? बिल्कुल यही कह रहे हैं भाई, गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है, बल्कि डिफेक्ट कर रहे हैं, साफ साफ कह रहा हूँ। अच्छा, कि नहीं, एनके सिंह जी सुनिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन अपनी बात को मनाने के लिए आप तथ्य को नहीं मोड़िए। अरे तथ्य आप मोड़ रहे हैं भाई, हमारी सारी तथ्य दे रहा हूँ, फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं जो था। अरे भाई मुझे बोले नहीं दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना बोलिएगा ना, बोलिए, मेरे को बोले नहीं दीजिए। आपने अपनी बात रखी, आपके रखने की बात, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उसके सफाई दे दीजिएगा।
भाजपा की सरकार ने सिर्फ एक चीज कहा, वो ये कहा कि हम लोग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन जैसी होगा वैसे वैसे नाम उजागर होते रहेंगे, और उस प्रोसिक्यूशन को चालू कर रखा। एक हमने कहा कि जब तक ये नहीं होता, क्योंकि हमारी जो बायलैटरल ट्रीटी है उसके अंदर ये प्रावधान है जिससे हम जो है बाउंड है, अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो इसके नतीजे हो सकते हैं, ये कहा। इस ट्रीटी का हवाला देके सिर्फ इतनी बात कही। अब आप बताइए इसमें कहां अमेरिका ने इस ट्रीटी का उल्लंघन करा, कहां ग्रेट ब्रिटेन ने उल्लंघन करा, कहां फ्रांस ने आपने बात करी उल्लंघन करा, किसने इस ट्रीटी का उल्लंघन करा? ये देखिए किसी सरकार की नियत को बिना किसी दोष के दोषारोपण करें ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं हमारा वो काम भी नहीं है, ये लिस्ट हम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स है, बिल्कुल हमारा काम नहीं है। उसके बाद बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारा काम नहीं है, लेकिन हम तो कुछ आंकड़े दे रहे हैं और हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जिस अर्ज से होना चाहिए था इस गवर्नमेंट में 100 दिन की जो बात कही थी, जिस अर्ज से होना चाहिए था वो अर्ज नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने किसने कही, मोदी जी ने कब कही है बता दीजिए ना। मैंने कहा नहीं आपसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट जो हलफनामा दिया उसने डैमेज कर दिया आपके कॉज को, यही लग रहा है कि आपके पास वो अर्ज नहीं है कि जिस शिद्दत से आपको करना चाहिए था शायद वो नहीं कर पाए। 100 दिन का नहीं, इधर उधर की बात नहीं करिए, एनके सिंह जी इधर उधर की बात नहीं करिए। कोई नहीं भाई, हम तो फोकस पे है बात, तो आप लोग मोदी जी ये पॉलिटिकल क्लास करता है, इधर उधर की बात मैं नहीं करता। अच्छा सुधांशु जी ये नॉन एडवर्सरियल हुए बिना काले धन का मुद्दा, हम चाहते हैं कि काला धन बहुत सारा है, करोड़ों लाखों अरबों है वो भारत में आए। अब मैं बताती हूँ कैच क्या है। इतना ही तो कह रहे, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं सुधांशु जी, कैच क्या है? आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने, अटॉर्नी जनरल ने, नहीं मेरे को बात करने दीजिए, और आपका बहुत सम्मान है। नहीं मैं ये बोल रही हूँ, सबने ये कहा कि जब हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं तब हम ये इन नामों का खुलासा करेंगे, इस स्टेज पे नहीं कर सकते। अब यहीं पे कैच है, जो सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कह रही है कि आप अपने पास नाम रखते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किसकी कैसी हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि आईटी विभाग नोटिस इशू करेगा, उसका जवाब आएगा नहीं आएगा, आपके विभाग का एक कर्मचारी संतुष्ट हो जाएगा, और इसमें यह भी एंगल है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो यूपी हो चाहे एनडीए हो, ट्रस्ट डेफिसिट है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणियां की है, क्योंकि कैच ये है, कोर्ट ये कह रही है कि हमने एसआईटी का गठन इसलिए किया है कि वो कॉल ले कि आगे इन नामों पे, इस पैसे पे क्या करना है। अगर 5-5 साल तक इन नामों पे सरकार बैठी रहेगी तो 1 मिनट लगता है एक क्लिक करके, और कोई भी शख्स अपने स्विस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, तो इतने वक्त तक इन्वेस्टिगेशन क्यों होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। यही तो मैं आपके कह रहा हूं कि एसआईटी को तो नाम दे दिए ना, अगर एसआईटी को नाम नहीं दिए होते तो आप कह सकते थे कि देखिए आपकी नियत में फर्क है। कोर्ट ने ये कहा के अंदर एसआईटी को नाम दिए, कोर्ट ने आज यही कहा सर, नहीं था ना, कोर्ट ने यही कहा, सरकार और अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा कोर्ट को बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे, जब कोई फाइनल कंक्लूजन आएगी हम एसआईटी के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं और आपको बता दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा कि आप हमें नाम दीजिए, हमें सीबीआई सीबीडीटी कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन करानी हो, कुछ भी कराना हो वो हम डिसाइड करेंगे या एसआईटी को बोलेंगे डिसाइड करने के लिए। कैच सर पूरा का पूरा यहीं पर है इस मामले में। सुधांशु जी आप तो तर्क बहुत अच्छा तर्क करते हैं, आप एक बात बताइए, ये एसआईटी जो कर रही है ये इससे इनकम टैक्स का अपना इनिशिएशन सीज नहीं हो जाता है? इनकम टैक्स कम से कम कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में तो इनिशिएट कर सकती थी, वो क्यों नहीं कर रही है? और ये कांग्रेस ने छिपाया ये तो जग जाहिर है, लेकिन कम से कम 150 दिन हो रहे हैं, आप तो शुरू कर सकते थे। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो अर्ज होना चाहिए था, जिस इंटेंसिटी से होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं एनके सिंह जी, फिर आप सिर्फ अपने एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए फिर बोल रहे हैं, जब एसआईटी को दे दी और एसआईटी को सारी पावर है कि जो प्रोसिक्यूशन नहीं, 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 जो फिर गलत कह रहे हैं भाई, एसआईटी के पावर का मतलब नहीं होता है कि बाकी जो एजेंसीज हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो सीज कर जाती है, उनका फंक्शन सीज नहीं होता, आप इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी का मैंडेट पहले देखिए, सरकार का हलफनामा है एनके सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी का पहले मैंडेट देख लीजिए, फिर मैंने खंडा देखा है भाई, आप क्यों समझ रहे हैं कि आप ही जानते हैं मैं नहीं जानता, हम लोग उस एसआईटी के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। सुधांशु जी ये सरकार का हलफनामा मेरे हाथ में है, पैरा 24 आपको फैक्स कर दूंगी,
इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कंसेंसस है कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जानी चाहिए, यहां तक बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये भी इंटरनेशनल कंसेंसस है इस बाबत इन तमाम देशों के बीच में जहां पर DTAA एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि जहां पर भी मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हो, करप्शन का हो, किकबैक्स का हो, टेररिज्म का हो, फाइनेंसिंग का हो, वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है जुडिशियल अथॉरिटी से। तो सरकार कब तक बैठी रहेगी इन इंफॉर्मेशन के ऊपर, सवाल यहां पर ये आ जाता है, आप जुडिशियल अथॉरिटीज के साथ शेयर क्यों नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन? और तो और आप ही के हलफनामे में लिखा है कि 2009 के बाद तो सारी ट्रीटीज जो साइन हुई है उनमें ये क्लॉजेस हैं जो बड़े ओपन माइंडेड है इस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पे। अब आप अपने आप ही बात सुन लीजिए, आपने जो कहा मैं वही बात बड़ी करना चाह रहा हूं। उसमें क्या लिखा है आपने जो भी पढ़ के सुनाया, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी भ्रष्टाचार, देखिए काला धन और करप्ट मनी दो अलग अलग चीजें हैं। करप्ट मनी की तो वैसे ही कोई प्रोटेक्शन कहीं नहीं है, टैक्सेशन को रिलेटेड जो चीज है उसकी भी कोई प्रोटेक्शन यहां नहीं कर रहा है। जैसे ही उसका प्रोसिक्यूशन होगा वैसे नाम उजागर होंगे। नाम उजागर होना एक चीज है, वो पैसे जिन्होंने करे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक चीज है, और वो सारी कार्रवाई इनिशिएटेड और हम कर रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं करा, 5 महीने की सरकार ने आके यही कार्रवाई करी है, उन्हें उठा के आते ही SIT को दे दिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो आदमी कर रहा है आप उसको क्यों कंडेयर में खड़ा कर रहे हो भाई? और सुनिए, ये जो ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है वो 2011 से लेकर केंद्र सरकार का जो आचरण है उसके बारे में है, वो कोई NDA के आचरण के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा है सरकारें आती है बदलती है, इसकी वजह से व्यवस्था नहीं बदलेगी। आज तक सरकारों ने क्या करा उसके बारे में आचरण है। और मैं आखिरी एक चीज के बारे में आपको भाजपा की सरकार की तरफ से एक तरह से एक मिनट ना सुनिए, पूर्णता आश्वस्त हो जाइए, हमें किसी के बारे में कुछ छुपाना नहीं, हमें किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, और जिनको दिक्कत होगी वो तो आगे सामने आपको दिख जाएगी। कांग्रेस को आज कांग्रेस का जो बयान है उस बयान को अगर सुनने की प्रतिक्रिया सुनने तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी दिक्कत है। ब्लैकमेल करने की कोशिश करी गई, मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने की करी। मैं आज TV के इस चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता TV क्या देश के सामने झूठ बोलते हैं मोदी जी का नाम लेके? अगर वो एक कटिंग दिखा दे, एक क्लिप दिखा दे मोदी जी की, तो या तो वो राजनीति छोड़ दे या हम लोग राजनीति छोड़ दे। सुधांशु जी क्या बात कर रहे हैं? एक 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 सरकार जो है जी, सुधांशु जी क्या बात कर रहे हैं? अरे दिखाइए ना, अरे UPA सरकार ने काले धन के ऊपर व्हाइट पेपर रिलीज किया, मोदी जी के बयान दिखा दीजिए, सामने देश के सामने पार्लियामेंट के सामने पूरी स्थिति रखी, और क्या बात कर रहे हैं? ये तो दूसरा सवाल बार बार आ रहा है, 21,000 लाख करोड़ रुपया है और एक एक अकाउंट में 15-15 लाख चला जाएगा, कोई कहा कि 3 लाख चला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, आपके सभी नेता लोग कह रहे थे। अरे कोई क्या होता है, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, के दौरान आपके प्रवक्ता चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़ के ईश्वर ऊपर बात की है, हर एक जगह हर जगह। अच्छा मैं कमाल है यार, मैं बेसिक सवाल पर फिर आता हूँ। सुधांशु मित्तल जी नाम लेना मना है, आप क्या बात कर रहे हैं? तथ्य को आप भाई हर अकाउंट पे अगर 15 लाख जाने लगा तो आप समझ रहे हैं देश का GDP जितना है उससे ज्यादा ये अमाउंट है। 15 लाख कभी नहीं कहा होगा किसी सेन आदमी ने, 15 लाख कभी कह ही नहीं सकता कि हर अकाउंट पे हम 15 लाख डाल देंगे। अगर वो 10 साल भी डाले तो नहीं डाल सकता, ये संभव नहीं है। इसलिए 15 लाख को आप जोड़िए 100 करोड़, या छोड़िए आप सिर्फ BPL को आप देते हैं, BPL 40 करोड़ है, आप जरा गुणा कर लीजिए, बता दीजिए कितना होता है देश के GDP से ज्यादा। यहाँ कहा गया था, नहीं ऐसा नहीं कहा गया था, हम लोग सुने 21,000 लाख करोड़। अच्छा सुधांशु जी देखिए, एक ये बोले समझ आता है, अरे सुधांशु जी आपको क्या भाषा समझ आता है? हर आदमी को झूठ झूठ कर बोले जा रहे हैं ऑफिशियल प्रवक्ता, अगर क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई झूठ बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता ये कहे कि नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग में कहा, आप गलत बोल रहे हैं, शर्मनाक बात है। और इसलिए मैंने आज चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अरे भाई मैं सबके सामने चुनौती दे रहा हूँ, मोदी जी का जो क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी का आप देखिए, आप लोग चुनाव प्रचार के दौरान में क्या भाषा इस्तेमाल करते थे। सुधांशु मित्तल जी मेरा फिर से वही सवाल है, आप बाकी बताइए, आप चुनाव से पहले, चुनाव से पहले पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या भाषण देते थे और आप क्या भाषण दे रहे हैं? जी चुनौती स्वीकार करिए, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं आपसे, आप बता दें, आप बता दें,
पार्लियामेंट में चुनाव के दौरान 15 लाख क्या क्या भाषण दिया जा रहा है, क्या भाषण है सुधांशु जी? 15 लाख आप अपने पास रखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपके कानून मंत्री ने, आपके कानून मंत्री ने कहा कि डबल टैक्स, कमाल है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी वो इसके लिए बाधा नहीं है। जो आपने बयान दिए उस बयान पर सत रही है, आप घुमाइए नहीं। आपके अभी आज प्रवक्ता ने कहा है, आज प्रवक्ता ने सबके सामने कहा है मोदी जी ने 15 लाख रुपए खाते में जमा करवाने की बात कही थी, ये आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और ये झूठ है, और इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूँ। अरे आपने सुन लिया, जनता ने सुन लिया, तो काहे हल्ला मचा रहे इसमें? आप सुन लिया, ठीक है, समझ गए, जो सभी ने सुना है, सभी ने सुना है, मैंने नहीं सुना, लेकिन आप ये देख लीजिए, चुनाव से पहले आप बहस नहीं करना चाहते। आप काला धन के लोगों को संरक्षण प्रदान करती है भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, मेरा वही सवाल रहा था, टिन्नू से 25 करोड़ रुपए लेना सही था क्या जी? हाँ, नहीं सुनिए भान दीपक जी, अगर जानकारी है कि इनके स्विस बैंक खाते में, इनके स्विस बैंक अकाउंट है, तो फिर लेना गलत है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह जानकारी कांग्रेस सरकार के पास थी, हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस सरकार को जानते हुए उनसे लिया, बिल्कुल गलत करा, और हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और अगर जानकारी हो और फिर हम ले, तो यह अनैतिक रहेगा, चाहे कोई आदमी है, इसमें तो भाजपा का आदमी है, और उसूल खुद कर रहा है, भाजपा का आदमी हूं मैं। अरे भाई कमाल हो गया, पैसे तो आपको भी दिए पूनिया साहब। अब सुन लीजिए इनकी बात, उन्होंने तो भाजपा के आदमी से आप क्यों चंदा ले रहे हैं भाई? भाजपा का आदमी ना तो हमारे आदमी से आप चंदा लेंगे क्या? कमाल है, आप कुछ तर्क देने से पहले सोच समझ के तर्क दीजिए पुनिया जी। सवाल यहीं पे आ जाता है कि जिस देश में किसी को बिजनेस चलाना है वो हर पार्टी को खुश रखता है, हर पार्टी उससे चंदा लेती है, और चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। बात है, कितना लेम एक्सक्यूज है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का कि साहब हमें पता नहीं था कि ये गड़बड़ आदमी है, मैंने उसे पैसा ले लिया, मुझे पता नहीं था गड़बड़ आदमी है। बताइए अगर ये लॉजिक चलेगा कि कल्पेबिलिटी आपको नहीं पता है लिहाजा आपने ले लिया है, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अपराधी को आप अपने घर में रख लें और फिर कहें कि साहब मुझे नहीं पता कि मर्डर वगैरह किया है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये लेम एक्सक्यूज है, इसको अवॉइड किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे आप तमाम लोगों को यही रोकना पड़ेगा, मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही, न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगा